टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम में हर पद और भूमिका के लिए 10 महीने के प्रयोग के बाद भी एशिया कप में टीम इंडिया नाकाम रही। पिछले बार की एशिया कप चैंपियन इस बार फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। अधिकांश विशेषज्ञों को टी20 विश्व कप से केवल 2 महीने पहले एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में किए जा रहे एक्सपेरिमेंट इसकी एक बड़ी वजह लगी और दिलीप वेंगसरकर उनमें से एक हैं। दिग्गज बल्लेबाज ने खलीज टाइम से बातचीत के दौरान कहा, जाहिर है टीम प्रबंधन सभी खिलाड़ियों को मौका देना चाहता है क्योंकि वे अगले महीने होने वाले विश्व कप के लिए अभी भी अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 की तलाश में हैं। लेकिन एशिया कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। इस तरह के टूर्नामेंट में मैच जीतना टीम के मनोबल के लिए बहुत जरूरी होता है। उन्होंने आगे कहा कि बायलेटरल सीरीज में प्रयोग किए जा सकते हैं लेकिन एशिया कप और विश्व कप जैसे टूर्नामेंटों में जीतना महत्वपूर्ण होता है। बता दें कि भारत एशिया कप के सुपर फोर स्टेज के अपने पहले दोनों मुकाबले हार कर फाइनल की रेस से बाहर हो गया था।